हेलो फ्रेंड्स, हमको बेसिक केक स्पंज के लिए कौन कौन से फंक्शन लगते हैं वो देख लीजिए। ये हमारा जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री पे रहना चाहिए। जब हम प्री हीट करते हैं तो प्री हीट करके आपको किधर आना है। प्री हीट के टाइम हम ये वाला यूज़ करेंगे और ये हम 10 मिनट तक यूज़ करेंगे। ओके, तो ये 10 मिनट होने के बाद में हमें यहाँ पे जो सबसे नीचे वाली ये होती है, एक सेकेंड वाले पे हम रखेंगे प्री हीट करके, एंड फिर हम स्टॉप कर देंगे। जब हमारा प्रीवेट हो जाएगा, जब हमारा बेटर रेडी हो जाएगा, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। आपको चेंज सिर्फ यहाँ दोनों रोड ऑन करनी है और सेंटर में, इधर सेंटर में आपको रखना है। इससे आपका जो केक स्पंज है वो परफेक्ट होगा। तो नॉर्मली आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको 180 डिग्री पे सबसे पहले प्री हीट करोगे एक रोड पे 10 मिनट के लिए, फिर जब सेकंड आप बेटर डालोगे तो आपको दोनों रॉड ऑन करनी है। यहाँ पे फंक्शन ये चेंज नहीं करना, हमको ये चेंज नहीं करना, यहाँ पे दोनों रॉड करना है। और यहाँ पे हमें 45 मिनट तक कर देना है। 40 मिनट तक आपको, 35 मिनट के बाद ही आप चेक करके देखना। यदि आप 20 मिनट पे इसको चेक करते तो आपका जो केक है वो बीच पे से बैठ जाएगा। 35 मिनट पे आप उसको चेक करना। 35 मिनट के बाद में यदि आपका रेडी हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि अलग अलग ओटीजी का टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो इस तरीके से हमें देखना है।